देखो डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है 1,34,600, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दिया है, मशीन आवर्स दिया है, एस्टिमेट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का खर्चा साल भर का है ना, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है 58,000। क्या निकालना है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। ओवरहेड, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है अप्रत्यक्ष व्यय, याद रखना। ओवरहेड का कौन से मेथड से बनाने बोला है? लेबर कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर रेट मेथड से। इसको कॉलम बनाओ, जैसे जैसे बना रही हूँ सेम सॉल्व करते चलो। पर्टिकुलर लिखो, फिर एक में मेथड लिखना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, हिंदी में इसको लिखना प्रत्यक्ष श्रम लागत विधि। देखो क्वेश्चन में लिखा है प्रत्यक्ष श्रम लागत विधि, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। फिर लिखो सेकेंड डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड, और नेक्स्ट लिखना मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। एक साथ बनाएंगे तीनों मेथड को। एक पॉइंट दिया था कैलकुलेट करने के लिए, देखो ये ए कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट देखो फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है, ₹58,000 देखो दिया है। वो देखो हाईलाइट कर रही हूं मैं, ये देखो ये क्वेश्चन में दिया ना, अनुमानित वार्षिक कारखाना उपरिव्यय। यहाँ लिखो फैक्ट्री ओवरहेड को हिंदी में लिखना कारखाना उपरिव्यय, कितना दिया है फैक्ट्री ओवरहेड 58,000। तो तीनों में लिखो 58,000। अब क्या निकालना है अपन को? ए पॉइंट में देखो एब्जॉर्प्शन रेट, यहां पे ए कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मतलब उपरिव्यय के अवशोषण की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है? एब्जॉर्प्शन रेट लिखो अब इसके नीचे, अवशोषण की दर लिखो, एब्जॉर्प्शन रेट अवशोषण दर। अब देखो ये किस मेथड से बोला है? लेबर कॉस्ट मेथड से निकालने बोला है। तो 58,000 को डिवाइड करो, ये लेबर कॉस्ट देखो कितनी दी हुई है, ये देखो एस्टिमेट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना दिया है 97,800। तो इसको डिवाइड करोगे 97,800 से। सेम यहाँ पे देखो 58,000 को डिवाइड करोगे किससे निकालने बोला है? लेबर आवर रेट मेथड से, है ना? तो लेबर आवर्स कितने हैं देखो 1,34,600। फिर मशीन आवर रेट कितना दिया है 50,500। तो 58,000 को डिवाइड करोगे 50,500 से, तो इसमें देखो 59.30 आना चाहिए। इनटू 100 करना क्योंकि रेट निकालने बोला है ना, तो वो परसेंट हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है 59.30। ये तो आवर्स है, तो आवर्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे, तो इसमें कितना आ रहा है 0.4309 पर लेबर आवर आ रहा है सबका इतना, यस मैम। और इसमें आएगा 1.1485 पर मशीन आवर।
ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बन गया सबका, क्लियर करूं? ऋतिका, मोनिका? यस मैम। जिज्ञासा, आंचल, गजाला, बन रहा बेटा सबसे? बताओ, कहीं डाउट है तो पूछो। यस मैम। बन रहा। अब देखो ये सेकेंड पॉइंट, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 5। अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट कल कैसे निकलेगा, मैं बताई थी ना आप लोगों को, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताई थी मैं एक आप लोगों को कल। उसमें मैंने बताया था डायरेक्ट मटेरियल में प्राइम कॉस्ट के साथ और हेड्स मतलब कि एड करेंगे तब उसका फैक्ट्री कॉस्ट वर्क आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड करते हैं? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वे, है ना? तो वो बनती है प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में जब ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स तो वो बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर वो वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। स्टेटमेंट बनाओ ऐसे जल्दी से। तीनों मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड से, डायरेक्ट लेबर आवर रेट और मशीन आवर रेट, तीनों मेथड से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना डीएल सी लिख रही हूँ, फिर डायरेक्ट लेबर आवर है तो DLH है ना, लेबर आवर रेट मेथड और मशीन आवर रेट मेथड, ऐसे शॉर्टकट में लिख रही हूँ। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, 420 420 ले लो। फिर डायरेक्ट वेजेस दिया है 450। लिया सबने? अब देखो इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी अपनी प्राइम कॉस्ट। तो तीनों कंडीशन में प्राइम कॉस्ट सेम रहेगी। देखो अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स पूछा है, ठीक है? अब देखो ये यहाँ पे साइट पे कैलकुलेशन कर रही हूँ, है ना, ये वर्किंग नोट कर रही हूँ यहाँ पे। देखो वर्किंग नोट, देखो ये जो 450 था डायरेक्ट, ये लेबर आवर्स देखो कितना दिया है, 300 आवर्स दिया है। मशीन आवर्स कितना दिया है, 200 आवर्स। अपन एब्जॉर्प्शन रेट निकाले थे ना, एब्जॉर्प्शन रेट देखो क्या होता है, समझो यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी देखो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है। एब्जॉर्प्शन रेट जब अपन निकाले थे तो यहाँ किसका निकाले थे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हम 58,000, ये देखो अगर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 58,000, तो कितने की दर से बन रहा है वो लेबर कॉस्ट पे। देखो इधर देखो कॉन्सेप्ट समझना सर, लेबर कॉस्ट था 97,800 और फैक्ट्री ओवरहेड था 58,000, तो कितना परसेंट निकला था, 59.30% निकला था। तो सेम आप लोग करो 450 का 59.30% निकालो। मैम 266.85, तो ये इसमें आ जाएगा, ये 59.30 हमने यहां का लिया, ठीक है? ये एब्जॉर्प्शन रेट जो हमने लिया था फैक्ट्री ओवरहेड का, किसका था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का लिया। देखो अब नेक्स्ट इसका देखो, इसमें कितना था 0.4309। अब देखो यहाँ पे लेबर आवर्स आपको निकाल के दिया है,
लेबर आवर्स दिया है निकाल के, कितना दिया है 300, तो 300 का निकालोगे 0.4309, करो 1.2927 300 का मैम, सेम सी का निकालो के देखो कितना है उसमें, देखो इसका भी मशीन आवर्स दिया है कितना 200 इनटू क्या करोगे 1.1485 229.70 229.70 ठीक yes. देखो इसमें अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया रहता तो अपन डायरेक्ट मिस मल्टीप्लाई कर दे, नहीं दिया है इसलिए हमने किसका लिया, ये देखो 450 का लिया मैंने वेजेस का। और कभी भी एग्जाम में जब अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है उसका बेस हमेशा ना डायरेक्ट लेबर वेज ही रहता है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड का बेस हमेशा क्या रहता है, वेजेस से ही रहता है। चलो टोटल करो इसका 870 + 266.85 1136.85 आएगा इसमें, 999 आ रहा है इसका 0.27 और इसका थर्ड वाले का 1.0997 आ रहा है। ओके क्वेश्चन बना सबका, यस मैम बन गया, यस मैम पूरा क्लियर कर दूं, किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछो, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। मैम ये 450 क्यों लिए, ये 59.30% वाले में डायरेक्ट वेज वाला, क्योंकि अपने को देखो फैक्ट्री कॉस्ट दिया ही नहीं है इस सेकेंड पार्ट में, नहीं दिया ना फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और वैसे भी ये तो ये जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड निकाला था है ना, इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाला था, ये किसके बेस पे निकाला था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेस पे निकाला था ना, यस मैम। और देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस तो दिया है ना 450, हाँ तो देखो 450 का निकाला ना, जैसे 300 का दिया था 300 पे है ना। ये तो एक्चुअली क्या है, प्रोफॉर्मा है अपना, प्राइम कॉस्ट हमेशा कैसे आता है, मटेरियल लेबर को ऐड करेंगे तो ही प्राइम कॉस्ट आएगी, इसलिए आपको लग रहा है कि डबल डबल हो गया है ना ये वाला, ये डबल नहीं है, वो तो प्रोफॉर्मा ही ऐसा है, उसके लिए उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हमको कौन सी कॉस्ट चाहिए रहेगी, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी हमेशा मटेरियल प्लस लेबर बन के। अब आया समझ में, yes, yes, मैं क्लियर कर रही हूँ पूरा, ठीक है, yes, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कंपनी चार उत्पादों अ ब स तथा द के निर्माण में कार्यरत है, अ कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग फोर लाइंस ए बी सी डी, ठीक। यदि कंपनी केवल एक ही प्रकार का उत्पाद बनाती है तो, अगर एक ही बनाएगी ठीक, मतलब अगर चार बनाती है ए बी सी और डी, फोर उसके मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स हैं, लेकिन अगर कंपनी सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग लाइन बनाती है, यानी ए करें या सिर्फ बी या फिर सी या फिर डी, ठीक, तब क्या होगा, द मंथली प्रोडक्शन कैन बी आइदर 5000 यूनिट्स ऑफ ए, 10000 यूनिट्स ऑफ बी, 15000 यूनिट्स ऑफ सी और 30000 यूनिट्स ऑफ डी। लेकिन अगर सिर्फ वो किसी एक ही का करेगी तो ए का कितना बना पाएगी 5000, और अगर सिर्फ बी करेगी तो वो बी का कितना बना पा रही है, सिर्फ कितना बना रही है बताओ, बी का 10000, सी का बना पाएगी 15000 और डी का बना पाएगी वो 30000। ये देखो
सिर्फ अगर एक बनाएगी तो, ठीक है, एक माह में वास्तविक उत्पादन इस प्रकार है। अगर और देखो वैसे वो नॉर्मली कितना कर रही है, ए का इतना, बी का इतना, सी का और ये डी का, एक्चुअल इतना है। माह के लिए ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड्स कितने 81,000 है, जिन्हें उत्पादित इकाइयों के आधार पर अवशोषित करना है। मतलब ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, डी का कितना होगा, ये हमको उसके रेट के अकॉर्डिंग डालना है। शो द एब्जॉर्प्शन रेट एंड द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। देखो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, एक कंपनी के पास ए बी सी डी चार प्रोडक्शन लाइन्स हैं। अगर कंपनी सिर्फ एक ए का प्रोडक्शन करेगी, बाकी सब बंद कर देगी, तो ए का कितना प्रोडक्शन करती है, 5,000। सेम वही सिर्फ अगर बी का करेगी, ए सी और डी का नहीं करेगी, तो कितना करेगी, 10। सेम सी का कितना करेगी वैसे, 15, और डी का कितना करेगी, 30,000। ये कौन सी बात हो गई, ये अगर वो दूसरे का प्रोडक्शन बंद कर देगी तो सिंगल सिंगल इतना करेगी। अब आगे देखो, एक माह में वास्तविक उत्पादन इस, अब देखो एक्चुअली जब वो चारों का प्रोडक्शन कर रही है तो ए का वो कितना कर पा रही है, सिर्फ 675 यूनिट्स, बी का कर रही है 1800, सी का कर रही है 4050 और डी का कर रही है 9450। यहां तक कोई डाउट है क्वेश्चन समझने में, नो मैम क्लियर है, क्लियर है सबको, यस मैम। अब देखो अब खर्चा कितना हो रहा है इसका, देखो का अब हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमको इसका रेशियो निकालना पड़ेगा 81,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सोचो क्या रेशियो लगेगा इसमें, कोई दिमाग लगाओ इसमें, ठीक, और डी का प्रोडक्शन भी बंद कर दें, तब जाके बी का कितना यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, 10,000। क्वेश्चन में तो यही बोला है ना, तो यदि कंपनी केवल एक ही प्रकार का उत्पाद बनाती है तो मासिक उत्पादन अ की 5,000 इकाइयां, या फिर ब की इतनी, या फिर सी की इतनी, या फिर डी की इतनी, है ना, ये समझ में आया जो मैंने ये बोला था, 1 times 2 times 3 times or 6 times वाला। Yes, समझ में आ गया, ठीक है। देखो ये अब इसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं जब उसको रेशियो में डालना होता है, ठीक है। देखो इनका रेशियो इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में एक लाइन इसलिए ये दे दिया था कि इन सब का प्रोडक्शन बंद करने पर ये आएगा, या फिर इसका प्रोडक्शन बंद करने पर, चालू करने पर ये तीनों बंद करना पड़ेगा, इसलिए इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर दिया जाता है, इट मीन्स अगर ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी अगर हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक, तो इसका रिवर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए कितना है, 5,000 था, तो उसको डी तक मैच करने के लिए अपने आप को कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा, 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा रिवर्स, तो ये इसका रेशियो बनेगा 6 times। आ रहा है समझ में, यस मैम। सेम यहाँ पे इसको अपने रेशियो तक पहुंचने के लिए लगेगा 3 times, इसको लगेगा 2 times और इसको लगेगा ये 1 time, ये रिवर्स होता है रेशियो, ठीक। तो ये बनता है 6:3:2:1। तो आपका देखो सॉल्यूशन, देखो ये मैं रफ कर रही हूं ना यहाँ पे, तो आपका देखो एक्चुअल आउटपुट कितना दिया था, सॉल्यूशन देखो सब, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है आपका यूनिट्स में, 675, ये दिया है कितना 1800, ये दिया था 4050, ये दिया था 9450।
अगर मैं इसका रेशियो डालूं, आउटपुट रेशियो, सिक्स इज टू थ्री इज टू टू इज टू वन. चलो मल्टीप्लाई करो, 675 इंटू सिक्स करो, 675 इंटू सिक्स, वन इंटू टू करो ना, ये फर्स्ट है, 050 आ रहा है. हाँ ये कितना आएगा, 1800 इंटू थ्री 5400. ये आ रहा है 8100 और ये आएगा आपका 9450. अब इसका रेशियो निकालो सबका, कितना आएगा. अब रेशियो निकालो इसका, चलो डिवाइड करो 5 से. या फिर इन सब का टोटल कर दो, 4050, 5400, 8100 और 9450, इन चारों का टोटल करो कितना आ रहा है. कितना आ रहा है टोटल, 27,000 को टोटल डिवाइड कर दो 27,000 से, कितना आएगा. इंटू थ्री आया इंटू 4050 करो, मैम 12,150 आ रहा है. यस मैम 12,150. देखो जब रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं लगता है आप लोगों को, है ना, तो जैसे क्या करना है सबका टोटल कर देना. सेम यहीं पे करो, 81,000 को डिवाइड कर दो 27 से, इनटू कर देना किससे, 5400 से. सेम 81,000, ये तो 3 आया था ना इसको, इससे मल्टीप्लाई करने से, 81 को डिवाइड किए थे 27 से तो 3 आया था ना. Yes, है ना, तो भाई 3 into 5400 कर दो, 3 into 8100 और 3 into 9450. इसको 27,000 से डिवाइड करना इनटू 8100, कितना आ रहा आंसर. यहाँ 12150 आया, यहाँ कितना आया, 16200, यहाँ 24,300 आएगा और यहाँ पर आएगा 28,350. ये हो गया 81,000 का डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पे लिखना 5,000 यूनिट्स ऑफ ए, तो बी का कितना टाइम्स हो रहा था, 2 times. फिर सेम 5,000 यूनिट्स ऑफ ए लिखना, तो जो 15,000 यूनिट्स था तो सी का कितना टाइम्स बन रहा था, 3 times. और डी का कितना बन रहा था, ये 6 times बन रहा था. इसलिए इसको क्या किया, आउटपुट रेशियो क्या हो जाएगा, इसलिए ये देखो ये स्टार्टिंग में लिखना, ये फर्स्ट और ये सेकंड में बनाना, ये वाला ये आउटपुट रेशियो क्या होगा अपना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, 6:3:2:1 ये वाला, ये जो आया था ना ये वाला, देखो 6:3:2:1. ठीक है, ये आपका आंसर है. ठीक है, ये चलो मैं क्लास लेफ्ट कर रही हूँ, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी से आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो.